जब मैंने इस आसिम बिजनेस की शुरुआत की तो मेरी पहली इनकम आई थी 514 रुपए की। तो सचिन सर कहते थे कि गेम बहुत बड़ा है, तो मैं तो ये सोचता था कि मेरे साथ गेम हो गया है, मेरे साथ गेम हो गया 514 रुपए की इनकम, ये इससे क्या क्या सपने पूरे होंगे। तो मैंने सचिन सर को बोला कि बताइए 514 रुपए हैं, क्या क्या सपने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि चेक तो बड़ा तगड़ा आया है, अब इसमें से कौन सी कार ले लूं, कौन सा घर खरीद लूं, और बैंक बैलेंस भी इतना शानदार बन गया है। तो सचिन सर ने कहा था कि देखिए ये तो शुरुआत है, कभी भी कोई पौधा आप जब लाएंगे तो पौधा बीज के रूप में ही आता है, और उस पौधे को धीरे धीरे देखभाल करनी पड़ती है, और देखभाल करने से वो पौधा बड़ा होता है, कोई पौधा ऑटोमेटिक बड़ा नहीं होता। कोई भी बच्चा अपनी माँ की गर्भ में छोटा ही रहता है, वो बाहर आता है, वो प्रकृति में आता है, प्रकृति से वो संघर्ष करता है, और फिर वो बच्चा बड़ा होता है। तो वैसे ही कहानी बिजनेस की भी होती है कि बिजनेस में जब आरसे में शुरुआत करते हैं, देखिए जिंदगी में आरसे बिजनेस हो या कोई भी काम हो, आज आप कोई भी काम करते हैं, आप सोचिए उस काम में जब आपने शुरुआत की थी और आज आप जहां पर हैं, क्या वो सेम स्थिति है क्या? वो बिल्कुल स्थितियां अलग होगी। जब आपने किसी काम की शुरुआत की और आज उस काम में आप जहां पर हैं, तो दोनों की स्थिति अलग है। हाँ ये जरूर है कि ट्रेडिशनल मार्केट में बड़ा स्लो स्लो बिजनेस चलता है, बड़े मार्केट में हमें टफ कंडीशंस मिलते हैं, लेकिन मेरा आसम बिजनेस के बारे में ये मानना है, जो सचिन सर ने मुझे एक लाइन दी थी कि ये दाल रोटी चलने का बिजनेस नहीं है, जिंदगी बनाने का बिजनेस है, और ये कहानियां बनाने का बिजनेस है। देखिए क्या होता है, कभी कभी जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो चैलेंजेस बड़े आते हैं सर। मेरे दोस्तों ने, मुझे याद आता है कि जब मैं दोस्तों के पास में गया था, तो एक दोस्त बड़ा मेरा एकदम जिगरी दोस्त, और उस जिगरी दोस्त ने मुझे बोला कि देख श्याम, तू आज आया है तो चल ठीक है, कोई बात नहीं, और अगर तुझे पैसे चाहिए तो 1500 रुपये ले जा। उस समय किट आता था, 3 शर्ट 3 पैंट का किट आता था, 1480 रुपये या 20 रुपये की किताब मिलती थी, आसिम बिजनेस कैसे करे, तो 1500 रुपये का वो किट आता था। तो मेरे दोस्त ने बोला कि देख श्याम, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तू पैसे ले जा, लेकिन ना ये बेवकूफ बनाने का काम, ये शब्द उनके यूज, ये शब्द मेरे दोस्त ने बोला कि ये बेवकूफ बनाने का काम मत कर। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि एक बात और है कि अगर तुझे इस बारे में बात करनी है तो दोबारा मेरे घर पे मत आ। मतलब सोच के देखिए कि एक शर्मा सर, एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड, और वो ऐसा बोले तो दिल पे कैसी चोट लगेगी। तो मैंने ऐसी ट्रेन की यात्राएं की है जिस ट्रेन की यात्राओं में मतलब बस एक पैर पे खड़े हैं। मेरी वीडियो तो आ रही है सर जितेंद्र जी? अरे जी सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बहुत बढ़िया जॉब है। एक्चुअली मेरे सॉफ्टवेयर में शायद कुछ हाइड हो गया है। ओके, तो मैं उस ट्रेन में, मैं बताना चाह रहा हूँ जनरल बोगी की यात्रा, अगर अभी भी कुछ साथी करते हैं तो आपको एहसास होगा कि जनरल बोगी की यात्रा क्या होती है। जनरल बोगी की यात्रा ऐसी होती है कि एक की सांस जब छूटती है तो दूसरे को सांस आती है। तो बिल्कुल उस ट्रेन की मैंने यात्राएं की, मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी है लाइफ में। मैं सारे इंडिया छोड़ के एज ए कैशियर जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया, तो एक व्यक्ति से मैं मिलने गया, वो व्यक्ति अपने दुकान में मुझे बुलाया। जनरली दुकान पे मिलने हम नहीं जाते हैं, फिर उसने बोला कि सर आप तो दुकान पे आइए, और क्योंकि मैं सारे इंडिया में कैशियर था और वो मेरा सारे इंडिया का एजेंट था, लेकिन चूंकि मैं अब जॉब पर छोड़ चुका था, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप जॉब में है तो आपको लगता है कि यार मैं ही मालिक हूँ और सारे लोग पे मैं हुक्म चलाता हूँ, लेकिन एक्चुअल स्थिति वो नहीं होती। तो मैं उनके पास में जब आसम बिजनेस का प्लान लेके गया, तो उन्होंने लगभग मुझे बाहर में 2 घंटे से ज्यादा वेट करा। अब मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ 2 घंटे में, और मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा नंबर कब आएगा उसके बाद में, और वो अपने काम में आराम से मतलब एकदम तल्लीन है। मतलब ऐसा उनका एहसास ही नहीं हो रहा कि बाहर कोई खड़ा भी है, या सर जिनको मैं पहले सर बोल के बुलाता था वो बाहर खड़े हैं, तो गब्बर बाहर गाड़ी में बैठे हैं, मुझे उन्हें यहाँ बुलाना है, मुझे उनसे कुछ जानकारी लेनी है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें आपको कभी कभी ऐसा लगेगा इस बिजनेस को करते हुए कि यार बिजनेस को छोड़ डालो। वो स्वर्गीय सतीश पंडित जी कहते थे कि इस बिजनेस में ऐसी कई सारी रातें मैंने गुजारी, कई मोमेंट मैंने गुजारे कि लगता था कि बस अब इससे आगे नहीं। तो ऐसी कई मेरे पास कहानियां आई, मेरे परिवार की तरफ से आई, कई तरफ से आई, अगर मैं उनको घटनाओं को बताना चाहूंगा तो शायद एक बहुत बड़ी वो कहानी बन जाएगी ऑलरेडी।
तो जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमारा संघर्ष होता है और संघर्ष हर काम में होता है, लेकिन बाद में वही संघर्ष हमारी कहानी बनती है। जैसे आज मैं आपको सुना रहा हूँ सर, और मैं आज आपको मजे लेके सुना रहा हूँ, मतलब मैं आज आपको दुखी होकर नहीं सुना रहा कि मेरे साथ में ऐसा घटित हुआ था या वैसा घटित हुआ था। मुझे तो उन घटनाओं को याद करके अभी मतलब सोचता हूँ कि वो घटनाएं भी मेरे साथ में हुई थी बोल के। तो संघर्ष के समय में हमेशा जो आपके साथ में घटित होता है, सफलता के बाद में वही आपकी कहानी होती है सर, और उसी कहानी को सुनाने का मजा आता है। कभी भी कोई ऐसी कहानी स्टेज पे अगर कोई सुनाए कि देखिए मैंने तो ये शुरुआत किया था और बस मैं चलता रहा और यहाँ पे वो मिल गया, वहां पे वो मिल गया, बस मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ा, मैं बिजनेस में आया और मैं बिजनेस में और टीचर बन गया, तो ऐसी कहानी कोई नहीं सुनना चाहेगा। ऐसा टेक्निकल अचीवर भी कोई बन जाए तो उनकी कहानी कोई नहीं सुनना चाहेगा, ऐसा कोई स्टार भी बन जाए तो उनकी कहानी कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। कहानी तो सर पिक्चर की मजा तब आती है जब दर्द होता है, जब क्लाइमेक्स आता है, जब उसमें एंटरटेनमेंट होता है, जब उसमें मजा होता है, तो तब कहानी का मजा आता है और आपकी पिक्चर भी इंटरेस्टिंग बने। इसलिए मेरा बोलना है कि संघर्ष आने दीजिए, दाल रोटी चलने का बिजनेस नहीं है, जिंदगी बनाने का बिजनेस है। और एक बड़ा अच्छा लाइन है जो मुझे बड़ा प्रेरित करता है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिसमें की बात नहीं लोगों के दिलों तक जाना है और इतनी दूरी तय करने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है। तो वक्त लगने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर हम आश्रम बिजनेस नहीं करते तो भी जिंदगी गुजरती, और कर रहे हैं तो भी जिंदगी गुजर रही है, लेकिन यकीन मानिएगा कि आफ्टर 5 ईयर्स आपने पहले कितना समय बिताया, आपको बिजनेस में जुड़े हुए 6 महीना हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी भी जुड़े हैं, डजंट मैटर। लेकिन अब जो हमारा प्लेटफॉर्म तैयार है, 101% हाईवे तैयार है, बस इस हाईवे पे आपको चलने के लिए तैयार रहना है। और इस बात को यकीन मान के चलिए कि अगला 5 साल जो इस बिजनेस में दम लगा के काम नहीं करेगा, वो आने वाले 5 साल के बाद में खून के आंसू रोएगा सर। उसे जिंदगी में बड़ा मलाल होगा कि अरे 5 साल मेरे पास में भी था, वो 2022 मेरे पास में भी आया था, 2025 आने वाला है, क्यों मैंने मेहनत नहीं की, क्यों मैंने उस तरह से विजन को मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि परिस्थितियां आज अलग है, मामला अलग है, आज पूरा अलग मोमेंटम से आसम बिजनेस चल रहा है। तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा, इसे छोटा समझने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ सचिन सर के शब्दों में शर्मा जी कि गेम बहुत बड़ा है सर, इस गेम को छोटा मत समझिएगा। चलिए अब सवाल ये आता है कि अब गेम बड़ा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक बहुत फेवरेट चीज है जो मेरी जो मुझे प्रेरित करती है, और जैसा मैंने कहा कि मेरी शुरुआत 514 रुपए से हुई थी, पर मैंने सचिन सर को बोला था कि देखिए आप बोल रहे हैं कि जिंदगी बदलने का बिजनेस है, तो 514 में तो वास्तव में जिंदगी बदल गई। आप बोल रहे हैं कि जिंदगी बदलेगी, मेरी तो अभी से बदल गई है जिंदगी 514 में। तो सचिन सर ने बोला था कि चीजों को बढ़िया करने के लिए आपको बेहतर बनना पड़ेगा सर, मतलब कि आपकी इनकम कभी भी आपकी योग्यता से बड़ी नहीं हो सकती। आप कितना भी खुद को बहला ले, आप कितना भी खुद को फुसला ले, अपने अपलाइन को बोल दें, आप भिंडरा पीट पीट के बोले कि सर मैं तो किताबें पढ़ रहा हूं, मैं तो मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, मैं तो सीरीज सुन रहा हूं, मैं तो काम कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर से एक ही चीज कहना चाह रहा हूं आपके पास में, दिस इज द ओनली वन ऑप्शन। और आज हमारे पास जो इनकम है, आज हमारे पास में जो परिस्थितियां है, वो इसलिए है क्योंकि हमने खुद को उतना डेवलप किया है सर। आपको खुद को बधाई देना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि सर मैं बिजनेस पे स्टार भी कब पहुंचूंगा, या बिजनेस में मैं सफायर कब पहुंचूंगा, या बिजनेस में स्टार सफायर कब पहुंचूंगा, मैं बिजनेस में रॉयल्टी कब जाऊंगा, मैं बिजनेस में टेक्निकल कब जाऊंगा। मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि सर बीसी सर कहते हैं अपने आप को शाबाशी दो, एक बार शाबाशी दीजिए खुद को, शाबाश शाबाश, तूने बहुत जोरदार काम किया है इसलिए तू यहां तक पहुंचा है, शाबाश, क्या बात है श्याम अग्रवाल, वेरी गुड। तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए क्योंकि आपने जो किया है उसकी वजह से आज आप यहां पर पहुंचे हैं। और सबसे मेन चीज इसको समझने की जरूरत है कि अब हमको और डेवलप करना है, तो चीजों को विकसित करने के लिए आपका विकास जरूरी है, चीजों को बदलने के लिए आपका बदलना जरूरी है सर। क्योंकि अगर हम वही रहेंगे,
हम जिस पैटर्न पे पहले काम करते थे उसी पैटर्न पे पहले काम करेंगे तो हमारी परिस्थिति में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। सालों सालों तक पीने नहीं बदलेगी, सालों सालों तक इनकम में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। तो चीजें जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट बहुत एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन मेरा मानना है कि चीजों को बदल डालिए। अब बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, बदलने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले चीज और ध्यान रखिएगा, ये पर्याप्त नहीं है कि कंपनी आपका ख्याल रखती है कि कंपनी ने आपके लिए ऑफर निकाला, कंपनी ने आपके लिए प्रोडक्ट्स निकाला, कंपनी ने आपके लिए टूल्स निकाला, कंपनी आपके लिए मीटिंग कर रही है। ये पर्याप्त नहीं है कि अपलाइन आपका ख्याल रखती है। अपलाइन बोलती है मीटिंग में आ जाओ, अपलाइन बोलती है कि इस ऑफर पे काम कर लो, इस टारगेट पे काम कर लो। ये पर्याप्त नहीं है कि आपके आसपास के लोग आपका ख्याल रखते हैं, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, घर वाले हैं, लेकिन मेरा सबसे मेन मानना है कि आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा सर, क्योंकि बिजनेस आपका है, कामयाबी आपकी है, सफलता आपकी है, गाड़ी आपको मिलने वाली है, घर आपको मिलने वाला है, जिंदगी आपकी बदलने वाली है, तो ख्याल भी आपको ही रखना पड़ेगा सर। बस मेरा आपसे सवाल है, जब हमको ये पता है कि कभी भी हमारी इनकम हमारी योग्यता से बड़ी नहीं हो सकती है, तो हम ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत लीडर, ज्यादा समझदार लीडर, ज्यादा जानकार होने के लिए क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? सोचिए कि ज्यादा बेहतर बनना है, मुझे अपने आप को डेवलप करना है ना, मुझे खुद को और मजबूत लीडर बनाना है, मुझे समझदार और ज्यादा समझदार बनाना है। देखिए मैं आपकी समझदारी पे शक नहीं कर रहा सर, मैं आपको फिर से कहा कि मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि आप वो लीडर है, तभी तो आप यहां तक पहुंचे हैं ना, लेकिन अब सवाल ये कि मुझे इससे आगे जाना है, तो अब मुझे ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा, ज्यादा समझदार बनना पड़ेगा, ज्यादा जानकार बनना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहला चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, 5 किताबें, आप 5 किताबों के नाम अभी लिखिए सर, आप अभी लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए, डजंट मैटर, लेकिन आप लिखिए कि आप ये 5 किताबें जो पढ़ने वाले हैं ये क्यों पढ़ेंगे, ये अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। हर किताबों का अपना अलग बेनिफिट है, जैसे मान लीजिए लोक व्यवहार है, तो लोक व्यवहार हम क्यों पढ़ते हैं, अगर हमको ऐसा लगता है कि सर मुझे थोड़ा सा लोगों को और करीब से समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारा पीपुल इस बिजनेस है, ज्यादा लोग आएंगे बिजनेस में तो कामयाबी बड़ी है कि हाँ उनका एजुकेट तो करना पड़ेगा, लेकिन पहला तो यही है कि ज्यादा लोग हमारे साथ बिजनेस में आए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ये किताब मैं चाहूं तो इसको मैं ले सकता हूं, अगर मेरे को लगता है कि कभी मैं एक्टिवेट हो जाता हूं, कभी डीएक्टिवेट हो जाता हूं, कभी मैं चार्ज हो जाता हूं, कभी मैं डिस्चार्ज हो जाता हूं, तो मेरे लिए किताब है जिसको कहते हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, जीत आपकी, श्री भल्ला जी ने लिखा है कि कभी भी जो लोग काम करते हैं, जो अमीर और कामयाब लोग हैं, कोई अलग काम नहीं करते सर, काम को अलग ढंग से करते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सर्विस क्लास लोग हैं मेरे साथ में, या मुझे उनको ऐसे व्यक्ति को समझाने की जरूरत है कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, तो किताब हमारे पास में है कि मेरा चीज किसने हटाया, हु मूव्ड माय चीज। अगर मुझे लगता है कि सेलिंग पे थोड़ा सा मुझे कुछ किताबें पढ़ने की जरूरत है, तो हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, सफलता सफल सेलिंग का मनोविज्ञान, ब्रायन ट्रेसी की किताब है, फ्रैंक बर्गर की किताब है कि मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, शिवकला जी की किताब है यू कैन सेल, तो ऐसे बहुत सारी किताबें मेरे पास में है। तो अब मेरे को ये डिसाइड करना है, अगर मान लीजिए मुझे मेरे टीम के लीडर्स को डेवलप करना है, तो अपने टीम के लीडर्स को कैसे विकसित करें, ये किताब है, और जो भी किताबें आपके अपलाइन आपको रिकमेंड करती है, लेकिन 5 किताबों का नाम अभी आप लिखिए सर, अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा बेहतर बने, आप ज्यादा मजबूत लीडर बने, आप ज्यादा जानकार लीडर बने, तो 5 ऐसी किताबों का नाम अपने कॉपी में लिखिए, और उस कॉपी में ये भी लिखिए कि क्यों आप पढ़ेंगे सर, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बोलना चाह रहा हूं कोई भी काम करे मकसद उसका होना चाहिए। सेकेंड चीज क्या सुनने हैं सर, अब सुनने में एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे हमारे पास में आज के डेट में एक ऐसा यंत्र है मोबाइल, मतलब मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जो हमेशा हमारे पास में रहता है और सुनने के लिए बहुत कुछ है। आप मोबाइल से दिन भर चिपके भी रहेंगे, आज के डेट में लोग अपने घर वालों से कम और मोबाइल से ज्यादा चिपके रहते हैं, तो आप मोबाइल से चिपके भी रहेंगे तो आपका समय तो बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन आप क्या सुन रहे हैं। अगर हम सुनेंगे गाना दिलेर मेहंदी के सड्डे ना रहोगे तो ऐश करोगे तो ऐश नहीं आने वाली जिंदगी में, अगर सुनेंगे सतीश पंडित जी की कैसेटे, सुनेंगे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी की कैसेटे, तो जिंदगी में परिवर्तन आएगा सर। तो क्या सुन रहे हैं ये देखना पड़ेगा,
क्या देख रहे हैं। देखिए आज YouTube में इतना कंटेंट बना हुआ है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमें दूसरे नेटवर्क के लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है सर। हमारे नेटवर्क में इतने सारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं, हमें इन्हें इन्हें को सुनेंगे तो ये हमारे सफिशियंट है। आदर गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी हैं, डॉक्टर सुरेन वस जी हमारे सीडीज में अवेलेबल है। तो गुरुदेव बीसी छावड़ा जी की इतनी सारी और वीडियोस भरी पड़ी है, तो मुझे केसी छावड़ा सर की वीडियोस हमारे पास में है, मुकेश कोडारी सर की वीडियोस हमारे पास में है, तो हम सब इन सब की वीडियोस सुने। हमें मुझे हम क्या करते हैं, हम मार्केट के जो दूसरे नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी के लोग हैं, हम उनका वीडियो सुनते हैं, हम उनका वीडियो शेयर करते हैं। मेरा दिल से मानना है सर, हम आरसे बिजनेस के लीडर हैं और आरसे बिजनेस की जो एजुकेशन है, जो आरसे बिजनेस के लीडर दे सकते हैं ना, वैसा एजुकेशन मैं आपको गारंटी करता हूँ कि भारत में कोई भी लीडर नहीं दे सकता है। तो अगर आप आरसी बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ पे बड़ी कमी भी लेना चाह रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सुनना भी चाहिए आरसीएम के लीडर्स को और शेयर भी करना चाहिए आरसीएम के ही लीडर्स के स्टेटमेंट्स को। एक और चीज है कि हमारे गुरु कौन है सर, कौन है हमारे गुरु। आप एक अपना एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को अपना गुरु बनाइए और लाइफ टाइम ये प्रण लीजिए कि यही मेरे गुरु रहेंगे। कभी कभी क्या होता है शर्मा जी कि हमने गुरु तो बनाया एक व्यक्ति को, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने मेरे मन की बात नहीं बोली, मैंने गुरु ही बदल लिया, मैंने किसी दूसरे गुरु बना लिया। क्यों? क्योंकि उस गुरु ने मेरे मन की बात नहीं बोली, मैं ये करना चाहता था, सर ने बोला कि नहीं ऐसा करना नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया, अपना गुरु बदल दिया। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ सर, अगर आपको गुरु बदलना है तो फिर गुरु की भूमिका क्या बची। आपको एक गुरु चूज कर लीजिए, आपकी अपलाइन सीरीज में जितने भी लोग हैं उनमें से एक गुरु चूज कीजिए और उनको अपना मेंटर मानिए, भगवान मानिए, और उनको आप इस जो भी कर रहे हैं, जस्ट एक मिनट। शर्मा जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, जी सर, जी सर, आ रही है। दिखाई भी दे रहा है आपकी आवाज में आ रही है, आप खुद नहीं दिखाई दे। तो मेरी वीडियो भी बंद है। चलिए आप मेरी वीडियो भी आ रही होगी। थैंक यू सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हमारे गुरु कौन है, मेरा दिल से मानना है कि आप एक गुरु बनाइए और लाइफ टाइम के लिए गुरु बनाइए सर। ऐसा नहीं कि परिस्थिति अलग रही तो आपने गुरु भी बदल लिया। एक गुरु बनाइए, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। और जब गुरु से नेटवर्क मार्केटिंग के व्यक्ति को गुरु बना लेते हैं, कभी क्रॉस लाइन में किसी को गुरु बना लेते हैं, मेरा मानना है कि सर आपकी अपलाइन एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन में से किसी व्यक्ति को लीजिए और उनको ही आपका गुरु बनाइए। उसके बाद में जो सबसे मेन पॉइंट है एक और, कि हमारी आदतें क्या क्या है सर, हमारी हैबिट्स क्या क्या है। अब मान के चलिए हमने ट्रेनिंग ले ली, अब ट्रेनिंग लेने के बाद में हम डेली क्या करते हैं, क्योंकि हमारी डेली की जो हैबिट्स है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे बिजनेस की कंडीशन आगे बढ़ेगी। हमने सुना, हमने पढ़ा, हमने देखा, अब हमारी बारी है करने की, कि प्लान शो, कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है, होम मीटिंग लेना है, वन टू वन लेना है, हम किताबें पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें हमारी एक्टिविटी डेली की क्या है, हम हमारी क्या आदतें डेली की, क्या हम डेली कर रहे हैं। जो आदमी डेली योगा करेगा वो स्वस्थ बन जाएगा, वो योग गुरु बन जाएगा। जो आदमी डेली प्लान शो करेगा, प्रोडक्ट बताएगा, टीम को मैनेज करेगा, वो आरसीएम का अगला रॉयल्टी और टेक्निकल जाएगा। आरसीएम बिजनेस में कामयाबी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बेसिकली जो सबसे पहली चीज है, यूज द प्रोडक्ट 100% 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। दूसरी चीज इस बिजनेस में है कि जब आपने प्रोडक्ट यूज की शुरुआत कर दी, अब आपको प्रोडक्ट को शेयर भी करना है।
मैं प्रोडक्ट यूज किए की परिभाषा बताऊं कि 2500 वॉल्यूम, अगर आप 2500 वॉल्यूम कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं 100%, क्योंकि छोटा परिवार है तो 2500 वॉल्यूम तो कम से कम लगना ही चाहिए। अगर आप 5000 पीवी कर रहे हैं इसका मतलब ये कि आप थोड़ा सा आप शेयर भी कर रहे हैं, और उसके आगे ये बात थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की बात है। तो पहला हो गया यूज द प्रोडक्ट, दूसरा हो गया शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा हो गया सर बिल्ड द नेटवर्क। अब ये दो काम जो आप कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, टीम में ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ानी है जो ये दो काम कर सके सर। तो बिल्ड द नेटवर्क, आपने नए लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, आप नए लोगों के पास में गए, आप बॉडी स्कैनर कैम्प कर रहे हैं तो वहां पे आपको कुछ लोग मिले, आप हेल्थ कैम्प कर रहे हैं तो वहां पे कुछ लोग आपको मिले, आप हाइजीन कैंप कर रहे तो वहां पे कुछ लोग आपको मिले, आपने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी किया, अब आपने अपना नेटवर्क बढ़ाया। और उसके बाद में चौथा जो काम इस बिजनेस में है वो है कि अब जो नेटवर्क आपके पास में है उस नेटवर्क को यही दो काम सिखाना, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट एंड बिल्ड द नेटवर्क, ये तीन काम उनको सिखा रहा है। ये आपका चौथा काम एज ए लीडर कि जिन लोगों को आप लेकर आए, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड बिल्ड द नेटवर्क, ये तीन चीजें उनको सिखानी है। बस ये चार काम आप चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक समय में ये सारे काम कर रहे थे लेकिन आज इनमें से कुछ एक काम छूट गया। अब एक कार हम चला रहे हैं, कार बोलेंगे यार कि स्टेयरिंग भी घुमाओ, ब्रेक भी लगाओ, एक्सीलेटर भी दबाओ, तो इसमें से एकात्मक करके देखिए क्या होता है, कार देखिए, फिर कार तो कभी धीमी चलेगी, कभी कार वहीं पर रुक जाएगी, कभी कार का भगवान मालिक होगा। तो मेरा यही बोलना है कि एक कार को चलाने के लिए जब सब चीजों की जरूरत पड़ती है, आसम बिजनेस में बड़ी कामयाबी जाने के लिए इन चारों चीजों की जरूरत है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड द नेटवर्क एंड फोर्टीज जो नेटवर्क आपने बनाया है उसकी लीडरशिप आपको बनानी है। तो लीडरशिप दैट इज द फोर्थ पॉइंट। और मैं अपने वाक्यों को आज चीज और कहना चाहूंगा कि खुद को विकसित करने की कोई लिमिट नहीं है सर, आदमी के पास में स्काई इज द लिमिट। आपको लगता है कि सर मैं कुछ सीख गया हूं, मैं बताऊं कि सर सबसे पहला चीज आप जो सीख गए उसको ये मानेगा कि जो मैं सीख सकता हूं ना इसके बराबर ये है ही नहीं, बिल्कुल 0.001। मैं आज ये मानता हूं कि सर मैं बिल्कुल 0.001 सीख पाया हूं। तो क्योंकि खुद को विकसित करने की कोई लिमिट नहीं है, अगर इसी को समझ जाएंगे ना तो फिर इस बात को समझ लीजिएगा कि इनकम लेने की भी कोई लिमिट नहीं बचेगी सर। अगर ये मैं समझ लेंगे कि मैं डेवलप्ड हो गया हूं तो बस इनकम भी आपकी वहां तक पहुंच के रुक जाएगी, लेकिन आप ये सोचेंगे नहीं मुझे खुद को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, काम को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अच्छा संबंध बनाने की भी कोई सीमा नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य बढ़िया करने की कोई सीमा नहीं है जिंदगी में सर, स्काई इज द लिमिट। तो मेरा की चीज कहना है कि ना तो मैं कभी हारता हूं, मैं या तो जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं सर, या तो मैं जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं, जितना मिले उससे ज्यादा देने का प्रयास करना है, कभी भी लेने वाला नहीं बनना है, हमेशा लेकर देने वाला बनना है सर, गिवर एंड टेकर एंड गिवन। लेकिन जब आप देने देंगे ना तो जितना मिल रहा है सर, आपको आज जो यहाँ जानकारियां मिली, आपने फील्ड में जो जानकारी ली उसको पूरी टीम को दीजिए ना, मीटिंग लीजिए, 1-to-1 कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, डिजिटल मीटिंग कीजिए, रिटेलिंग कीजिए, लोगों को दीजिए, जो आपको मिला वो लोगों को दीजिए, क्योंकि जितना मिलेगा उससे ज्यादा देंगे तो फिर मिलेगा, फिर देंगे, फिर मिलेगा, फिर देंगे, तो जिंदगी वही बनेगी जो हम बनाना चाहते हैं सर। बस लगातार सीखते रहिए, लोगों का क्या है, परिस्थितियों का क्या है, इस पर फोकस न करें, फोकस ये करें कि हम खुद को कैसे बेहतर कर सकते हैं।